हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर में बसंत आगमन की खुशी में होली के दूसरे दिन से फाग उत्सव का आयोजन किया जाता है। देव विदाई के साथ ही ये उत्सव समापन हो गया है। फाग उत्सव पहाड़ी समृद्ध संस्कृति और देवीय परंपरा के साथ भाईचारे का भी परिचायक है। देवी देवताओं को नगर परिषद की ओर से नजराना देने के बाद सभी देवी देवता अपने निवास स्थानों के लिए विदा हुए। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर में बसंत आगमन की खुशी में होली के दूसरे दिन से फाग उत्सव का आयोजन किया जाता है। देव विदाई के साथ ही ये उत्सव संपन्न हो गया। फाग उत्सव पहाड़ी समृद्ध संस्कृति और देवीय परंपरा के साथ भाईचारे का भी परिचायक है। देवी देवताओं को नगर परिषद की ओर से नजराना देने के बाद सभी देवी देवता अपने निवास स्थानों के लिए विदा हुए। उससे पहले राज दरबार में नीतियों का खूब दौर चला। इस फाग उत्सव में शरीक होने के लिए रामपुर क्षेत्र के प्रमुख देवता हिस्सा लेते हैं। परंपरा के अनुसार हर उस देवी देवता देवलों के साथ पारंपरिक वेशभूषा में देव वाद्य यंत्रों की धुनों में रामपुर बाजार में निकलते हैं। देवता बासुरु के साथ आए अजय राणा ने बताया कि देवता दत्त महाराज के साथ आए हैं। ये फाग मेला होली के बाद अगले दिन शुरू होता है। इसमें सभी ग्रामीण दूर दूर से तैयारियों के साथ अपने देवी देवताओं से लेकर आते हैं। हर साल यह क्रम चलता रहता है। ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। मैं अजय राणा, हम यहाँ पर देवता बासुरु जी के साथ यहाँ पर पिछले 4 दिनों से आए हैं। तो ये जो फाग मेला है ये होली के दूसरे दिन से शुरू होता है, बैसाख मास की शुरू होता है। तो ये जो फाग है इसमें बहुत ही लगभग इस समय 18-20 देवते यहाँ पर आए हैं, जो कि काफ़ी दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर देवी देवताएँ हैं। इसमें हमारे युवा साथी और महिलाएं और बुजुर्ग सभी काफ़ी समय के बाद यहां पर मिलते हैं, नाच गाते हैं और पूरा एंजॉय यहां पर लेते हैं और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद यहां पर सभी लेते हैं। देवता चंबू के साथ आए अजीत कुमार ने बताया कि वे सभी पारंपरिक वेशभूषा में आते हैं ताकि उनकी समृद्ध संस्कृति संरक्षित रहे, इसलिए वे वेशभूषा पहनकर आते हैं। मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं देवता चंबू छोली के साथ आया हूँ। ये हमारा कुल्लू वेशभूषा में हमारी संस्कृति, मतलब कलगी चौड़ा वगैरह पहनना, मतलब जो है हम अपनी संस्कृति को कायम रखना चाहते हैं, इसलिए हम बड़े शौक से पहनते हैं और हमें इसमें नाचने में बड़ा आनंद आता है। धन्यवाद। बिरमा देवी ने बताया कि मेले के दौरान इस दरबार में पहले से ही आते रहते हैं। यहाँ आपस में अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और दुख सुख बांटते हैं। हम मेले को आते हैं, नाचते पहले से, हमारे दादा परदादा से है ना, राजा पद्म सिंह से, अब वीरभद्र से, माई इनके ग्राउंड में नाचते, सारे दुनिया देखते आते हैं, है ना जी, खुशी मनाते हैं। यहाँ दुकानें खोलती थी, हाँ 4 दिन का मेला है ना जी। मेला आयोजक सुधांशु कपूर ने बताया कि फाग मेला विधिवत रूप से संपन्न हुआ, जिसमें नगर परिषद में सभी देवताओं को नजराना देकर विदा किया और उनसे आशीर्वाद लिया कि आने वाला समय सुखमय रहे। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से दिक्कतें जरूर आई, लेकिन मेला ठीक से आयोजित हुआ। लोगों ने देवताओं से ऐसी बीमारियों से बचने की भी अपील की। आज मेला फाग विधिवत रूप से संपन्न हुआ। आज के दिन सारे ही नगर परिषद के पार्षदों ने मिलकर सभी देवी देवताओं को नजराना पेश किया और ये जो फाग है, थोड़ा सा कोरोना वायरस की वजह से जो डर फैला हुआ था उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम दिक्कत जरूर हुई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और हमारे सभी देवताओं से और देवी देवताओं से ये अनुरोध है कि जो भी ये बीमारी फैली है पूरे दुनिया में, इसे इन सबको बचाए, सारी रियासत को बचाए, पूरे किसी को भी इसमें दिक्कत ना आए। धन्यवाद। गांव से आए बच्चे ने बताया कि मुझे बहुत मजा आया, देवता से मन्नत भी मांगी, मुझे अच्छा बनाना, पढ़ाई लिखाई मेरी अच्छी हो। आज फाग मेले में आया हूँ, मेरे को बहुत मजा आया। मैं देवताओं के साथ पास गया था, इन्हें पैसे दिए, मन्नत मांगी कि मेरे को अच्छा दिन ना दो, अच्छी पढ़ाई लिखाई करा दो।